आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जब तैयारी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, उस एग्जाम का जिसमें हम शामिल होने वाले हैं या फिर जो एग्जाम हम देंगे उसका सिलेबस लेकर आते हैं, और सिलेबस लाने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण दिया गया है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जैसे ही सिलेबस हम देखते हैं उसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ऐसी स्थिति में हमें पुस्तक की जरूरत होती है। और वर्तमान समय में दोस्तों, आप सबको पता है पुस्तकें ज़्यादातर ऑनलाइन परचेज करते हैं, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, मतलब किसी भी माध्यम से हो ऑनलाइन परचेज करते हैं। एक समय था दोस्तों जब हम मार्केट में जाते थे, हमारे सिलेबस में जो जो पुस्तक है या जो जो टॉपिक है वो देखते थे, टॉपिक देखने के बाद में हम देखते थे किस राइटर की कौन सी पुस्तक है और किस पुस्तक में भाषा शैली आसान है, सरल है, और साथ ही हमारे एग्जाम में जितने टॉपिक दिए गए हैं यानी सिलेबस में जो जो टॉपिक है, क्या इस पुस्तक को पढ़ने पर प्रत्येक टॉपिक अच्छे से कवर हो रहा है, यह सब देखने के बाद में हम पुस्तक परचेज करते थे। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों, आप सबको पता है स्थितियां बदल चुकी है, ज्यादातर ऑनलाइन हम परचेज करते हैं, चाहे शहरी विद्यार्थी हो या फिर ग्रामीण जो गांव देहाती विद्यार्थी है दोस्तों, खेतीबाड़ी का काम करने वाला भी ज़्यादातर ऑनलाइन ही परचेज करता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमारी जो बहनें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करती है तो वो कहाँ मार्केट में घूमती रहेगी बुक के लिए, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी पुस्तक परचेज करते हो तो सबसे पहले उस पुस्तक का YouTube पे सर्च कीजिए और उस पुस्तक के बारे में देखिए कि इस पुस्तक में क्या क्या टॉपिक है। ज़्यादातर पुस्तक के बारे में दोस्तों जानकारी YouTube पे मिल जाती है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो दोस्तों किसी भी पुस्तक को आप परचेज करते हो, ये पुस्तक है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक को जब आप परचेज करते हो तो ये दोस्तों आपका 1350 रुपये इसमें MRP लिखा हुआ है। अब दोस्तों मान लेता हूँ ये पुस्तक आपको 1000 रुपये में मिल जाती है या 1100 मिल जाती है। अब दोस्तों 1100 रुपये की एक पुस्तक खरीदने से पहले आप, चाहे वो आपकी मेहनत का पैसा हो, आपके माँ बाप की मेहनत का पैसा हो, जब आप पुस्तक परचेज करते हो तो उस पुस्तक के बारे में सबसे पहले अच्छे से जानकारी लेनी है कि इसकी भाषा शैली कैसी है, नंबर एक चीज। दूसरी बात, क्या मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस में टॉपिक है वो प्रत्येक टॉपिक क्या इस पुस्तक में कवर किया गया है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपको पुस्तक परचेज करनी है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महेश कुमार बरनव की जो पुस्तक है 10 पुस्तक, उनका एक महत्वपूर्ण सेट है, उनमें से ये जरूरी नहीं है कि आप 10ों पुस्तक आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन 10 पुस्तक में सबसे पहले किस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, ताकि पुस्तक परचेज करने से पहले आप उस पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक के अंदर के टॉपिक के बारे में और उसकी भाषा शैली के बारे में अगर अच्छे से जानते हो या फिर जान चुके हो तो आप आराम से उस पुस्तक को खरीद सकते हैं या फिर किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, यह है आपकी महेश कुमार बरनवाल की जो पुस्तक है इतिहास, नंबर एक पुस्तक दोस्तों, यानी ये प्रत्येक 10 पुस्तक को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। नंबर दो पर है दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था। अब दोस्तों उसके बाद में हम चलते हैं नंबर तीन पर है दोस्तों यहां पर भारत का भूगोल, ये पुस्तक है, और उसके बाद नंबर चार पर है दोस्तों विश्व का भूगोल NCERTस सार, ये महेश कुमार बरनवाल की पुस्तक। नंबर पाँच पर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है भौतिक एवं रसायन विज्ञान NCERTस सार, नंबर छः पे ये पुस्तक है। नंबर सात पर क्या है दोस्तों, ये है आपकी जीव विज्ञान NCERTस सार, इस पुस्तक के बारे में। और नंबर आठ पर दोस्तों MCQs,
यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह नंबर 8 पर इस पुस्तक में क्या क्या टॉपिक दिया गया है उनके बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 9 पर दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनसीईआरटी सार, इससे संबंधित भी संपूर्ण जानकारी लेंगे। नंबर 10 पर आता है दोस्तों विश्व का इतिहास एनसीईआरटी सार, ये दोस्तों 10 पुस्तक है। अब इन प्रत्येक पुस्तक में कौन सी पुस्तक में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, प्रत्येक टॉपिक के बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा और इसकी भाषा शैली कैसी है, जब आप एक दो टॉपिक अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी भाषा शैली कैसी है और टॉपिक को किस प्रकार से कवर किया गया है। तो चलिए साथियों, इन प्रत्येक 10 पुस्तक के बारे में विस्तार से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं ताकि पुस्तक खरीदने से पहले हमें उस पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए साथियों, अब देखते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार महेश कुमार बरनवाल कक्षा 6 से 12 तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर ये 425 रुपये की पुस्तक है और इस पुस्तक को खरीदने से पहले आपको इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं उनकी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो महेश कुमार वर्णवाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप देखिए अर्थव्यवस्था एक परिचय, यहाँ पर अर्थव्यवस्था से संबंधित एक परिचय दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों इस पुस्तक में मिलेगी। आर्थिक नियोजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी है दोस्तों। गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है और जो प्रमुख समितियाँ हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे इस पुस्तक में तो ग्रामीण एवं नगरीय विकास से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस पुस्तक के माध्यम से मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे मुद्रा एवं मुद्रा स्फीति क्या होती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी एक पुस्तक के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो भारत में बैंकिंग प्रणाली, इससे संबंधित दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको इसी पुस्तक के अंदर काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है और पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आप देखिए भारतीय वित्तीय बाजार है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो भारतीय कर प्रणाली, यानी दोस्तों जो टैक्स है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इससे संबंधित आप जो जानकारी अभी ले रहे हैं ये टॉपिक आप अपने सिलेबस में मिलाते रहिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। बजट एवं राजकोषीय नीतियाँ, यानी नीति से संबंधित भी जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है यहाँ पर, जनाकिंकी एवं जनगणना, ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। सतत विकास से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाजार से संबंधित है, भारत में भूमि सुधार से संबंधित क्या क्या उपाय किए गए हैं उनसे संबंधित भी जानकारी दी गई है साथियों। कृषि से संबंधित यानी खेती बाड़ी से संबंधित भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कौन सी फसल कहाँ पर होती है और फसलों से संबंधित अब तक की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं सरकारों के द्वारा अलग अलग समय में प्रारंभ की गई थी उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे उद्योग एवं औद्योगिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी विस्तार के साथ इस पुस्तक में दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सेवा क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी है दोस्तों,
द्विपक्षीय व्यापार समझौता इससे संबंधित भी जानकारी दी गई है। भुगतान एवं संतुलन एवं विदेशी निवेश इससे संबंधित भी जानकारी दी गई है। तो ये दोस्तों जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन इससे संबंधित भी दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है। और कुछ भाषा शैली आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये पुस्तक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो और आपके सिलेबस में अगर ये है तो आपके लिए ये पुस्तक काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ विस्तार से इस पुस्तक में समझाया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।